तो आज आ चुका है हमारे पास एक वायरलेस स्पीकर सोनी की तरफ से XE300। तो आप सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले ही मैंने एक रिव्यू और किया था स्पीकर पे, सोनी की एक्स सीरीज का ही वो स्पीकर था XE200। एंड आज मैं उसका बड़ा भाई आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एंड इसकी अनबॉक्सिंग आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। क्या ये उससे बेहतर है या नहीं है, ये सब भी मैं आपको लास्ट एंड तक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं पर भी मिस मत करना एंड वीडियो को पूरे आखिरी तक जरूर वॉच करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो अब चलते हैं बॉक्स की पैकेजिंग की तरफ। काफी सिंपल सी पैकेजिंग सोनी वालों ने दी है। तो फ्रंट में हमें यहाँ पर सोनी की ब्रांडिंग एंड यहीं पे स्पीकर की पिक्चर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे मेंशन किया गया है XE300। लेफ्ट साइड में हमें एक थॉट देखने के लिए मिल जाता है, लीव लाइफ लाउड। राइट साइड में यहाँ पर मेंशन किया गया है लाइन सेव्ड डिफ्यूजर। एंड मैं वीडियो में आप सभी को ये बता दूंगा क्या फीचर है एंड किस चीज के लिए दिया है। एंड पीछे की तरफ इसकी प्राइसिंग मेंशन की गई है 24,990 रुपीज, बट जो इसका एक्चुअल प्राइस है 17,000 है। एंड आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के फटाफट से अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, जिसको पढ़ के आप इसको इजीली यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मिलती है हमें एक टाइप सी केबल इसको चार्ज करने के लिए। क्वालिटी एंड लेंथ काफ़ी अच्छी दी गई है। एंड यहाँ पर आपको सोनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ पर रखा है मेरा स्पीकर एंड बॉक्स में हमें और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। फाइनली ये रहा हमारा स्पीकर। तो हमने ब्लैक कलर में परचेस किया है ना, आप ब्लू एंड ग्रे भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो ओवरऑल स्पीकर प्लास्टिक बिल्ड में आता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर फैब्रिक एंड रबराइज मटेरियल का कॉम्बिनेशन दिया गया है जो कि काफी इसको प्रीमियम लुक देता है। एंड सामने की तरफ इसके कंट्रोल दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ, चार्जिंग इंडिकेटर, ब्लूटूथ पेयरिंग मोड, प्ले एंड पॉज। एंड यहाँ पर से आप कॉल रिसीव एंड कॉल डिक्लाइन भी कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा फीचर है। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, बैटरी मोड। एंड बैटरी मोड को प्रेस करके आप स्टेमिना मोड एक्टिवेट कर सकते हैं एंड एक माइक्रोफोन बटन जिससे कि आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं। एंड यहीं पर हमें सोनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड बैक साइड में इसका आईओ कंपार्टमेंट दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। बात कर लीजिए कुछ इसके फीचर्स के बारे में। तो ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड ब्लूटूथ रेंज इसमें 10 मीटर हमें देखने के लिए मिल जाती है। एंड कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको सिंगल चार्ज में 24 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। इसका चार्जिंग टाइम है 4 आवर्स है एंड साथ ही साथ ये क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिल जाता है IP67 वाटर रेजिस्टेंस। एंड ये स्पीकर जो है ये शॉक प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ भी है। ये स्पीकर काफी लाइट वेट है एंड साथ ही साथ आप इस स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऐप के थ्रू। म्यूजिक सेंटर के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर में, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऐप में आपको काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। माइक्रोफोन विद इको कैंसलिंग इसमें दिया गया है तो काफी अच्छा ये फीचर है। एंड पार्टी कनेक्ट का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
साउंड टेस्ट तो आपने इसका देख ही लिया। पर्सनली अपने रिगार्डिंग मुझे इसका साउंड काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लाउडनेस काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली एंड जो बेस है वो भी काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला। बात करते हैं कुछ इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉज की, तो माइक विद इको कैंसलिंग हमें देखने के लिए मिल जाता है, पार्टी कनेक्टेड का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, स्टीरियो पेयर्ड का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, एसडी कोडेक का सपोर्ट इसमें दिया गया है, ऐप सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिल जाता है, कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं आप कुछ इसके कॉन्स के बारे में। हमें इसमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं देखने के लिए मिलता है एंड माइक्रो कार्ड का स्लॉट भी हमें कोई देखने के लिए नहीं मिलता है। फाइनली अब बात करते हैं यार आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट रेंज 17,000 तक है तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें काफी ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे एंड एक ऐप का सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, तो काफी डीप बेस मिल जाएगा एंड लाउडनेस काफी अच्छी है, तो सोनी ब्रांड का स्पीकर भी आपको मिल जाएगा। क्या आप इस स्पीकर को खरीदना पसंद करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना एंड मैं टेक्नोमो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।